जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ ट्रेड टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपका चलेगा 6 फरवरी तक। और इस टाइम जो है, हम आपको बता दें, यशवंतपुर जंक्शन है जो कि आपका पड़ता है KSR बेंगलोर सिटी जंक्शन से नेक्स्ट 2 स्टेशन आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ट्रेन है, इसके बाद मैं यहाँ से चलूँगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन सर को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बोला है कि सर वीडियो बना के देना। बेंगलोर में GTR DRDO पर भी जितने स्टूडेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेके जाना है। और ये है बेंगलोर सिटी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, उनका ट्रेड टेस्ट में कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम दिया गया, सारी डिटेल इस वीडियो में चाहिए आप सभी को। तो ये वीडियो लास्ट जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए उन स्टूडेंट से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो भाई, किस चीज़ का ट्रेड टेस्ट हुआ आपका? मेरा वेल्डर ट्रेड। वेल्डर का। तो क्या क्या पूछा गया वेल्डर में? इसमें जॉब बनाने के लिए आया था, जॉब में जो टूल्स इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए लिखने के लिए आया था। कितने लड़के आए थे आज इस प्रेजेंट? प्रेजेंट में शायद यहाँ 80 लड़के होंगे हर ट्रेड से। कौन सा बैच था? बैच मेरा सेकंड था। अच्छा, सेकंड बैच था। तो कुछ कंपोनेंट्स लिखवाए भी थे? हाँ, टूल्स के बारे में लिखाया था। अच्छा, कहाँ पर आपका सेंटर है? मेरा बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर। चलो तो ठीक है। कहाँ से हो भाई आप? हरियाणा से। किस चीज़ का एग्जाम देखा हो? DRDO। तो क्या क्या पूछा गया उसमें? कौन सी ट्रेड आपकी? वेल्डर। तो क्या क्या पूछा गया उसमें? बस ट्रेड स्किल टेस्ट हुआ है। अच्छा, स्किल टेस्ट हुआ। कितने घंटे का? 1 घंटे का। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने? डॉक्यूमेंट्स बस आधार कार्ड लेके आना है। आधार कार्ड लाना है और कुछ नहीं? एडमिट कार्ड बस। एडमिट कार्ड। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए वो फॉर्म? हाँ, वो फॉर्म। अच्छा, दोनों सबमिट करने हैं क्या? हाँ। ठीक। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लाने? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ये GTRE का बस स्टॉप है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, कुछ स्टूडेंट कैमरे के सामने आने से डरते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्नर और वेल्डर के 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें 13 स्टूडेंट, यानी कि टोटल एक दिन में 120 स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। तो ये एग्ज़ाम जो चलने वाला है वो आपका 6 फरवरी तक चलने वाला है। तो इसके अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर हैं भाई, जो मेरिट के आसपास हो आने की ज़रा कृपा ना करें। आप ये क्या कहना चाहते थे कि मेरिट के आसपास वाले ना आए? अच्छा, उसी में फायदा है। जिसके 10 नंबर कम से कम ऊपर हैं उसके तो चांस हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं तो पैसा ही बर्बाद करना है। तो यहाँ पर EWS के भी कुछ, ये EWS के कैंडिडेट हैं। EWS से स्टार्ट हुआ आज। सबसे पहले EWS था। और भाई आप जनरल है? जनरल से आते हैं आपको? टर्नर से भाई, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी। ये सारे बंदे एग्जाम देने के लिए आए हैं। DRDO का GTRE है ये है यहाँ पर उसके टर्नर बेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। 1060 बच्चे यहाँ पर आएंगे। इस बंदे का कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार। क्या नाम है? मैं सचिन कुमार, मेरठ का रहने वाला हूँ। सचिन मेरठ का। अब भी एग्जाम देखा है भाई? ये एग्जाम देने नहीं आए। तो ये भाई, ये है आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है सामने आपके, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट का बेंगलोर में एग्जाम सेंटर पड़ा है, मेट्रो स्टेशन बता दो वो कौन सा है? वो KSR बेंगलोर मेट्रो स्टेशन, वो मतलब क्या बेंगलोर सिटी है? विवेकानंद मेट्रो स्टेशन। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने बिमल गेट बस स्टॉप, जहाँ पर से आपको KSR बेंगलोर सिटी जंक्शन से डुम्बल गेट के लिए यहाँ पर बस मिलती है। फिर यहाँ से आपको GTR के लिए बैठना है, तो यहाँ से सीधी भी मिलती है 314 बस नंबर आपको।
कैसा बैंगलोर सिटी से मिल जाएगी वो सीधी बंद ए, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये बिम्बल गेट बस स्टॉप है, यहाँ से आपको सीधा यहाँ सामने आप जो देख पा रहे होंगे बिम्बल गेट से यहाँ से आपको कैसा बैंगलोर सिटी के लिए बस मिल जाएगी 314B। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स GTR DRDO जो कि आपके बेंगलुरु में पड़ता है, तो फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और फ्रेंड्स इस पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा वो जॉइनिंग के टाइम जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग परफॉर्मेंस मिलेगी वहाँ पर आपको जाके वेरिफिकेशन कराना होगा। और फ्रेंड्स इसमें आपको बता दें जो भी ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर जो पूछा गया है इन स्टूडेंट से मुझे बताया, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन्होंने बताया फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये बोल रहे हैं कि आज जो GTRE में जो 3 ट्रेड से संबंधित स्टूडेंट आए थे और कुछ स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितने स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं, तो एक बैच में फर्स्ट 4 बैच लगे थे, एक दिन में 4 बैच लगे हैं यहाँ पर। एक बैच में 30 स्टूडेंट बुलाए गए हैं जो कि डिफरेंट ट्रेड के हैं। एक ट्रेड के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 स्टूडेंट फर्स्ट बैच में और 10 स्टूडेंट वेल्डर में और 10 टर्नर। तो ये यहाँ पर सभी कुल बात करें तो एक बैच में 30 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए हैं, टोटल 4 बैच है तो 120 स्टूडेंट पर डे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और टोटल जो अनुमान है यहाँ पर बेंगलुरु का वो 1060 यहाँ पर स्टूडेंट का जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल SC OBC सभी कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट का ट्रेड टेस्ट होगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको, ले जाने हैं केवल क्या बोलते हैं आपको, एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब सिग्नेचर कट नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर विद आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और प्रिंट निकला हुआ, और उसके बाद पोस्टिंग परफॉर्मेंस जो आपका जो फॉर्म है वो भी आपके साथ होना चाहिए, वो आपको भर के देना है अपने एडमिट कार्ड के साथ सबमिट करना है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक आईडी चाहिए आपके, आधार कार्ड जो भी आपके आईडी हो आपके पास, और एक फ़ोटो, आपको केवल यही 4 चीज़ आपको चाहिए, एडमिट कार्ड, पोस्टिंग परफॉर्मेंस का जो फॉर्म है वो आपको चाहिए, आपका एक फ़ोटो चाहिए आपका, और आपका क्या बोलते हैं एक पेन चाहिए आपको, पेन भी लेके आना है आपको, एक पेन ले आना है, और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाने क्योंकि आपके एग्ज़ाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, केवल एग्ज़ाम हो रहा है। और ट्रेड की बात करें तो आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछा गया है वो कोई भी आपको एक प्रैक्टिकल दे देंगे और दूसरे 2 पेज मिलेंगे, जिसमें दूसरे वाले में तो आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर आपका ये डायोड वगैरह जो भी होगी उसकी वैल्यू वगैरह लिखनी है आपको, और फर्स्ट पे जो होगा वो आपका सर्किट डायग्राम होगा, वो कोई भी हो सकता है, एम्पलीफायर हो सकता है, RC कपल्ड एम्पलीफायर हो सकता है, रेजिस्टेंस पैरेलल हो सकता है, कोई भी सीरीज हो सकती है, तो आपको उसे PCB पर सोल्डिंग के द्वारा शो करना होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होगी। अब वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में वही जॉब वगैरह बनाने के लिए दी जाती है तो फ्रेंड्स, और उनसे भी उन्हें को भी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है और बायोडाटा देना होता है। और मशीन टर्नर की बात करें तो उनका भी ऐसे ही है सेम, सभी का यहीं पर आपको एक पेपर मिल जाएगा, कोई भी पेपर आपको छांटना होगा, 10-12 पेपर लेके आएगी मैडम, उसमें से आपको एक छांटना होगा और जो भी आप छांटेंगे उसको आपको क्लियर करना होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बतानी थी। तो एग्ज़ाम पर आप 1 घंटे से पहले पहुँचे क्योंकि वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का होगा, मिनिमम 1 घंटे का, 1 घंटे में आपका सारा कुछ हो जाएगा। उससे पहले बायोमेट्रिक कराना कोई भी स्टूडेंट ना भूलें, क्योंकि अगर यदि आप बायोमेट्रिक नहीं कराते हो तो इसमें आपके जो नंबर है यानी कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको नहीं शो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक कराएं, अपना फ़ोटो कैप्चर ज़रूर कराएं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।